I'm Yogyata. Here I am sharing my Kailash Chandra Physiography list, which I use mostly in speed writing. आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, आप इन्हें पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. इन फ्रेजेस से बाहर एसएससी में नहीं आता, इसी में से ही आता है. जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं हमारे स्पीड राइटिंग में, मैक्सिमम इन्हीं फ्रेजेस में से ही बनते हैं. आई हैव गिवन एग्ज़ाम, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल, सो दैट आपके सबके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं. मेरा भी है, DDA का है, SSC स्टेनो 2019 का है, और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आ रहा है स्किल टेस्ट. तो इन तीनों के स्किल टेस्ट में ये काम आएंगे ये फ्रेजेस. और आई नो आप सब पढ़ाई में लगे हो, तो इट्स गुड. अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनमें, ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, इनमें जॉब ले लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आगे बहुत चेंजेस होने वाले हैं एग्ज़ाम्स में. आपके एग्ज़ाम्स के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ाई करते रहिए, और इनसे रिगार्डिंग या फिर इनमें कुछ समझ नहीं आया, किसी में कुछ प्रॉब्लम है या कोई और कंसर्न रिलेटेड टू शॉर्ट हैंड, इन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स देर इज़ अ लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम हैंडल, so you can connect with me there. मैंने वहाँ इंग्लिश के वर्ड्स, synonyms, idiom phrases, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और स्टेनो के बहुत डिफरेंट वर्ड्स शेयर किए हुए हैं, तो आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगी. इंग्लिश का सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है मैंने, और रीजनिंग का सिलेबस भी मेरे इंस्टाग्राम पे है, तो आपको इजी रहेगा. वहाँ से आप अगर एक बार चेक कर लेंगे कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं या फिर अननेसेसरी का कोई टॉपिक ना पढ़ें, हमें क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो टाइम का यूटिलाइज़ अच्छे से करें, टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करें इंग्लिश में, रीजनिंग में, GS में, GK में. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.